हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम ए एंकर ऑफ गॉड एंड मैथ टीचर। आज हम करेंगे रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाती हूँ। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 13। वन स्टेटमेंट इज दिस वन। दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट। आर कंपोजिट नंबर, हमें इनको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट है, जो नंबर इससे आएगा वो कंपोजिट नंबर है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कंपोजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, फर्स्ट वन, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस 13। बेटा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस है और ये दोनों साइन क्या हैं, मल्टीप्लाई के हैं। तो हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे। तो मैंने इसमें से 13 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई 11, 13 तो बाहर ही आ गया, इसकी जगह 1 बच गया। ये 13 हमने कॉमन लिया तो 13 1 जा 13। ओके, अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। पहले तो ये मल्टीप्लाई करना होगा और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 77 एंड 77 मल्टीप्लाई 1 अगेन 77, तो 77 प्लस 1, ओके 13 एंड 78। 13 इज ए प्राइम नंबर बट 78 इज ए कंपोजिट नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं, पर ये तो कंपोजिट है तो मैं इसके प्राइम फैक्टर बना देती हूँ। 78 है, लास्ट डिजिट 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने किया इसको 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 9 जा। अब 3 और 9 दोनों को ऐड कर दो, सम ऑफ डिजिट ये क्या है, 12, तो 12 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 13 हो गया। 13 1 जा 13, हमने तब तक करना जब तक 1 ना आए। तो मैं लिखूँगी 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। 2 और 3 को आप पहले लिख लीजिए एंड 13 दो बार है और 13 2 जा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 एंड 13 एंड 13 169, तो 169 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 जा 54, 5 कैरी किया, 6 6 जा 36 एंड 5 41, 4 6 1 जा 6 एंड 4 10, तो आपके पास ही 10 1041। तो मीन्स हमने इसको कंपोजिट नंबर में लिख दिया। कंपोजिट नंबर को हम कैसे शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके क्लियर, और साथ साथ नोट करिए बच्चों। ओके, अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताती हूँ। हमारा सेकंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। बच्चों ध्यान से देखिए, ये सारे मल्टीप्लाई हैं यहाँ तक, ये नंबर है प्लस का, ये साइन है प्लस का, तो एक 5 नंबर ये है और एक 5 नंबर ये है, तो आप 5 को क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो हम यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे और अंदर बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1, बिकॉज 5 तो हमने ले लिया बाहर, प्लस का साइन लगाएंगे, 5 तो हमने कॉमन लिया, इसकी जगह 1 बच जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करिए इन सारे नंबर को और ऐड कर दीजिए 1। मैं अब मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42। ओके 42 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। ओके 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8 6 एंड 4 10 एंड 1 कैरी किया, 9 एंड 1 10, आपके पास आ गया 108 प्लस 1। अब मैं इसको कर देती हूँ रब, आपके पास आ गया 5 एंड 1009, आप कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई
ये आ गया। तो आप लिखिए यहाँ पे 1041 इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, हमने इसको लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। यहां भी आंसर लिखिए, इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो अब आप कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट अच्छे से करिए, कॉमन लीजिए। आई होप यू विल अंडरस्टूड। बाय बेटा, टेक केयर।